आमदन से जायद असासे, साफ पानी कंपनी करप्शन केस, हमजा शहबाज नैब में पेश। नैब हुकाम के सवालात के जवाब दिए, एक घंटे से जायद नैब ऑफिस में रहने के बाद वापस रवाना हो गए। लीगी मतवालों ने हमजा की गाड़ी रोककर फूलों की पत्तियां निछावर की नारेबाजी। जाली एहतसाब से इंतकाम की बू आ रही है। नियाजी साहब को इंतकाम की सियासत बहुत महंगी पड़ेगी। आप भी मिस्टर क्लीन नहीं, ये कैसा एहतसाब है? नवाज और शहबाज जेल जाएं और आप आजाद फिरें। अलीमा खान के असासे सामने लाएं। हमजा शहबाज की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले शहबाज शरीफ 3 माह से गिरफ्तार हैं, कुछ साबित नहीं हुआ। नैब की कई पेशियां भुगत चुका हूँ। जमीनों पर मुबैना कब्जे का मामला, लीगी एमएनए अफजल खोकर की 1 लाख के मचलकों के इवज जमानत मंजूर। 34 मरला एराजी पर कब्जे से मुतालिक केस में गिरफ्तार एमएनए अफजल खोकर मॉडल टाउन कचहरी में पेश। अफजल खोकर के खिलाफ थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज है। सरकारी जमीन पर कायम व्हाइट हाउस, जमी बोस, क्रेनों, हथौड़ों और भारी मशीनरी से खोखर पैलेस की दीवारें मिसमार। 4 दीवारी में बने कमरे बरामदे और क्वार्टर मिसमार। हमले ने मरकजी गेट भी उखाड़ दिया। मजदूर एलडीए की आराजी साफ करने में मसरूफ। पैलेस से गंदम की बोरियां, अलमारियां और दीगर सामान उठा लिया गया। खूनी खेल ना मंजूर, बसंत मनाने का फैसला नहीं हुआ, सिर्फ तजवीज है। पंजाब हुकूमत का हाई कोर्ट में जवाब, बसंत मनाने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फयासुल हसन चौहान चीफ सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर बुखला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार की अदालत से पंजाब हुकूमत को बसंत की इजाजत देने से रोकने की इस्तदा। नवाज शरीफ का कोर्ट लखपत जेल में दूसरा रोज। सर्विसेज अस्पताल की मेडिकल टीम ने नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया, ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट भी लिए। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को घर से आने वाली अद्वियात जारी रखने की हिदायत, जरूरत पड़ने पर खून के मजीद नमूने लेने का भी इंदिया। नवाज शरीफ को जेल में कैदी नंबर 4470 अलॉट। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर नवाज शरीफ की जुमेरात के रोज सिर्फ अहले खाना से मुलाकात कराने का फैसला। रेलवे खसारा से मुतालिक केस, फौजा साद रफीक ने ऑडिट पैरा का जवाब जमा करा दिया। कोई करप्शन या बेजाबतगी नहीं है वकील, लॉसेस तो हुए हैं ना। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मेरे दौर में रेलवे ने 21 मिलियन रुपए खुद पेंशन की मद में दिए, अब तो शाबाश दें। साद रफीक का चीफ जस्टिस से मुकालमा, शाबाश तब मिलेगी जब मामला हल हो जाएगा। चीफ जस्टिस का जवाब, नैब टीम ने पेशी के बाद ख्वाजा साद रफीक को वापस नैब ऑफिस मुंतकल कर दिया। आपके खिलाफ नैब ने आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी भी शुरू की है। सहाफी का सवाल, हमारी बारी आई हुई है, पता नहीं कौन कौन सी इंक्वायरी चल रही है। नवाज शरीफ को सजा से बड़ा जुल्म कोई नहीं। ख्वाजा साद रफीक का जवाब, बोले एहतसाब के नाम पर नून लीग टारगेट है। मेरे साथ नैब का रवैया ठीक है, मुझे नैब के कानून पर एतराज है। रेलवे इंजनों की खरीदारी से मुतालिक शेख रशीद को गलत बयानी ना करने का मशवरा। जुल्फी बुखारी की नाहलियत से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फी बुखारी को वजीर आजम के मौविने खसूसी की हैसियत से काम करने की इजाजत दे दी। अगर जुल्फी बुखारी इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे तो फिर मामले को देख लेंगे। चीफ जस्टिस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और नुजहत सादिक की दोहरी शहरियत से मुतालिक केस, चौधरी सरवर और नुजहत सादिक मुस्तकिल तौर पर गैर मुल्की शहरियत छोड़ चुके हैं। दफ्तर खारिजा ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी, सुप्रीम कोर्ट ने मामला निपटा दिया। वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है, क्या वेंटिलेटर्स के बगैर अस्पताल चल सकते हैं? सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी पर चीफ जस्टिस का डॉक्टर यास्मीन राशिद पर इजहार बरहमी। वेंटिलेटर की खरीदारी से मुतालिक समरी वजीर आला के पास पड़ी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जवाब, वजीर आला को बुलाते हैं, यहाँ बिठा कर समरी मंजूर कराते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
259 वेंटिलेटर्स को मंगवाने के लिए 4 माह की मोहलत। 29 दिसंबर को पे कमीशन की समरी काबीना में पेश करेंगे। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर पार्किंग कंपनी का 57 पार्किंग स्टैंड्स खत्म करने का फैसला। 20 पार्किंग साइट्स को सड़कों की तौसी के बायस बंद किया गया। 25 पार्किंग साइट्स सरकारी और निजी इदारों की मुंतकली के बायस बंद की गईं। पुलिस को गैर सियासी करने और पुलिस ऑर्डर 2002 के निफाज के लिए आईनी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतों को जवाब जमा कराने के लिए दोबारा नोटिस। 3 जनवरी तक तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत। मामला अहम है, जवाब ना भी आए तो केस का फैसला कर देंगे चीफ जस्टिस। स्कूल्स और कॉलेजेस में मुनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक केस। बच्चों को मुनशियात कहां से मिल रही हैं, ये पूरे मुल्क का मसला है। मुनशियात के इस्तेमाल के बायस 3 अमवात सामने आ चुकी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का 4 सूबों को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। इन्वेस्टिगेशन के बगैर नैब की जानिब से मुलजिमान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने केस की समाअत से माजरत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल। आर्टिकल 10 के तहत किसी भी मुलजिम को दौरान तफ्तीश गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का मौका। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान से इजाफी तनख्वाहें वापस लेने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और डीजी नैब से 29 दिसंबर को वजाहत तलब कर ली। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कंपनियों की तारीफ में नहीं आती। दरख्वास्त गुजार। शहीद बेनजीर भुट्टो की कल 11वीं बरसी। लाहौर से भी काफले गड़ी शाहू खुदाबख्श के लिए चल पड़े। अजीजुर रहमान चंद की कयादत में जियाले जाफर एक्सप्रेस के जरिए रवाना। जियालों की जानिब से भुट्टो के हक में नारेबाजी। 8 माह बाद असातिज़ा की सुनी गई। तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगियां शुरू। पैक ने असातिज़ा के लिए 50 करोड़ रुपए के चेक्स जारी कर दिए। अथॉरिटीज के एतराज़ात दूर होने पर रकम असातिज़ा को अदा कर दी जाएगी। कराची के शहरी इमरान वारसी की भारी जेल से 10 साल बाद रिहाई। वाहका बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किए जाने का इम्कान। सुंदर में जायदाद के तनाजे पर दोहरे कत्ल की वारदात। बड़े भाई ने छोटे भाई और चचा को गुज़श्ता रात फायरिंग करके कत्ल किया। मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ताहाल मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। ANF की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। लाखों रुपए मालियत की हीरोइन भी बरामद। ओमान के वजीर बराए सियाहत अहमद बिन नसीर की 8 रुकनी वफ के हमराह लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। उहदेदारों से मुलाकात। दो तरफा तआवुन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर लाहौर चैम्बर की ओमानी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। देर कर देता हूँ मैं, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर काम करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। अजीम शायर मुनीर नियाजी की आज 12वीं बरसी। अदब के लिए ग्रांकद्र खिदमात सर अंजाम देने वाले शायर को खराज अकीदत पेश। बकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई। अब तो उस राह से वो शख्स गुजरता भी नहीं, अब किस उम्मीद पे दरवाजे से झांके कोई। खुशबुओं मोहब्बतों की शायरा प्रवीण शाकर की शायरी आज भी जिंदा। मदाहों से बिछड़े 24 साल हो गए।